बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में ओनली, तो आज से शुरू होगा मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन में क्या था, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे जब बॉडी जो है टू डायमेंशनल मोशन कर रही होगी। जब भी टू डायमेंशनल मोशन की बात आएगी तो बॉडी हमेशा याद रखना कि वो मोशन किस में है, प्लेन में है। क्लियर है कि बॉडी किस में मूव कर रही है, प्लेन में मूव कर रही है। जिस तरह से हम क्या करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिया, हमारे पास एक बॉडी थी वो इस ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट तक वो मूव करी है। ठीक है, अब जब बॉडी मूव कर रही है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है हर टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये मोशन कौन सा है, उसका टू डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है, अब देखो सपोज किसी पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है, किसको पॉइंट पी लिया हमने, वहां पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स बाय एक्सिस में। यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो किस तरह से मिलेगी हमें, टेंजेंट ड्रॉ करा तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। अब ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वेलोसिटी है थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। तो अभी हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा कि जहां पे थीटा होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट, जहां पे उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, साइन कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए बी एक्स और बी वाई, एक्स में आ गया बी कॉस थीटा, वाई में आ गया वी साइन थीटा। क्लियर है, और आप वेलोसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर को, दैट इज वी एक्स आई एंड बी वाई जे। क्लियर है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है मुझे तो मैग्नीट्यूड किस तरह से बता सकते हैं हम, रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे एंगल बताना हो ये तो सिंपली टेन थीटा बी वाई बाई बी एक्स, और थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी वाई बाई बी एक्स। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट को यहाँ पे, ए पॉइंट को इधर मिलाते हैं बी को यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाता है, एक्स ए और एक्स बी मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बाई ए और यहाँ पे कहीं पे हमें बाई बी मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करा है इस डायरेक्शन में। क्लियर है, तो उसका मोशन हमें यहां से मिल जाएगा। तो टू डायमेंशनल मोशन में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, तो उसको नोट डाल के लिख सकते हो, अ टू डायमेंशनल मोशन कैन बी एनालाइज्ड बाय स्प्लिटिंग इट इनटू टू परपेंडिकुलर वन डायमेंशनल मोशन विद डी एज अ कॉमन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो टू डायमेंशनल मोशन था, इसको हमने किसमें स्प्लिट कर दिया, टू परपेंडिकुलर वन डायमेंशनल मोशन। अगर मैं अकेले इसकी बात करूं तो ये क्या वन डायमेंशनल मोशन है, इसकी बात करूं तो ये भी क्या है वन डायमेंशनल मोशन है। दोनों को डिवाइड कर दिया किसमें, दोनों को स्प्लिट कर दिया हमने, और t जो है वो क्या रहेगा उसमें, कॉमन वेरिएबल रहेगा। ठीक है, यहां पे कॉमन है कि जितने टाइम में ये x में मूव कर रहा होगा उतना टाइम y में मूव कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक चला है तो यहां पे t टाइम में ही x में मूव कर गया, t टाइम में y में मूव कर रहा है, तो t क्या है, कॉमन वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ऑल्सो वी कैन राइट इन द टू डायमेंशन दैट इन टू डायमेंशन मोशन ऑल द एनालिसिस ऑफ वन डायमेंशन कैन बी अप्लाइड अलॉन्ग एक्स एंड वाई डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। क्लियर है, हम क्या करेंगे टू डायमेंशनल मोशन में कि एक्स और वाई के अलोंग वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज कर लेंगे। जिस तरह से कि हमें जैसे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, डी एक्स वाई डी टी, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, डीवी एक्स वाई डी टी, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी एक्स डीवी एक्स वाई डी एक्स। क्लियर है, इसको किस तरह से लिखते हैं हम, देखो वेलोसिटी की एक्सेलरेशन क्या थी, वेलोसिटी वाई, टाइम तो मैंने क्या करा डी वी एक्स बाय, इसको क्या करा हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ गई, बचा क्या डी वी एक्स बाई डी एक्स, तो ये बच गया यहां पे। क्लियर है, अलॉन्ग बाय डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या हुआ, वेलोसिटी कितनी आई डी वाई डी टी, एंड एक्सेलेशन कितनी आ गई डीवी बाय डी टी, तो और किस तरह लिख सकते हैं इसको हम, बी वाई डीवी वाई बाई डी वाई। क्लियर है, देखो इसको और अच्छे से समझते हैं न्यूमेरिकल के साथ। अ पार्टिकल मूव इन टू डायमेंशन सच दैट पोजिशन डिपेंड्स, जो पोजिशन है वो डिपेंड कर रही है एक्स के ऊपर 4t² + 2t + 3 और वाई के अलॉन्ग 5t + 7।
हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी को बताना है हमने। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, इसकी डिफरेंशिएशन करी तो ये बनी डी वाई डी टी, ये बनी वेलोसिटी। अब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर यहाँ टू वैल्यू पुट करी तो ये कितना बन गया 18, यार ये कितना रहा 5, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया 18i + 5j। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो रूट दोनों करके, थीटा कितना आ जाएगा 10 inverse of 5/18। क्लियर हुआ? तो टू डायमेंशन मोशन को हमने क्या करा, स्प्लिट कर दिया किसमें, वन डायमेंशन मोशन में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। क्लियर है? एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। अ पार्टिकल स्टार्ट इन टू डायमेंशन मोशन सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट कैन बी गिव सच दैट आर इज इक्वल टू 2t² + 40i + 3t² + 7j। क्लियर है? फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछिए हमसे t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर। तो x कितना होगा, x हमें दे रखा है 2t³ + 40। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 60² + 4। एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी 12t। क्लियर है? y कितना दे रखा है हमें 3t² + 7। by कितना आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन वो कितनी हो जाएगी 6। ay कितना हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन तो वो कितना बन जाएगा 6 ओनली। क्लियर है? तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां 1 डालोगे तो 10i, ठीक है, यहां 1 डालोगे तो 6j। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, यहां 1 डालोगे तो सॉरी यहां 1 डालोगे एक्सेलरेशन में तो कितना हो जाएगा 12y, यहां 6j हो गया ओनली। क्लियर है? तो इस तरह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना 100 + 36 = 136 m/s। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 144 + 36 = 180 m/s². क्लियर है?